इस लोटे को क्यों लेके जा रहे हो? क्या देख रहा है? हम अपने पैसे लगा क्या इधर बगैरत? पैसे लगा क्या? क्या देख रहा है? अरे क्या देख रहा है? नहीं क्या देख रहा है? ओवरसीज पाकिस्तानी में खास तौर पे इतना शदीद इस गुस्सा और एक वो एक है जज्बात उनके ऐसे भड़के हुए हैं कि जैसे ही इनके काबू कोई आता है वो उसका वो दे मेक श्योर के इनसे एटलीस्ट हमारी आवाज जो है उन तक पहुंचे जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने इन लोगों को मुजरिमों को ला के बिठाया है। तो ये लोग वहां गए मस्जिद के बाहर, मदीना मुनव्वरा में ये लोग थे, तो अभी बाहर चल रहे मस्जिद में जूते पहने हुए सबने सब चल रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें औरतें मर्द इकट्ठे हैं जो मस्जिद में तो लदा हो जाते हैं वहां पे, लेकिन वहां पे ये लोग इकट्ठे हैं और ये जा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों ने वहां पे नहीं, जाहिर है जज्बात पे आप काबू नहीं रख सकते जब आपका मुल्क लुट रहा हो, जब आपका घर उजड़ रहा हो, तो आप उन लोगों को जो उसे उजाड़ रहे हैं वही उसके उस बाग के वही माली बने हुए हैं, तो आप अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकते। तो लोगों ने उन पे हूटिंग की, उन्होंने आवाजें लगाए, तो इनके फौरन ही हाशिया बरदार और ये मजलूम, इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला कि जो मुकद्दस जगह पे इन्होंने ऐसी हरकत की है तो तकदीस पामाल हो गई है और ये हो गया। नहीं हुआ, क्योंकि मस्जिद में सबसे पहले तो की नहीं है, दूसरी बात है अगर मस्जिद में भी की हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और अल्लाह ताला के ये अहकामात में से है कि जहां भी आप बुराई होते देखें उसे बजोरे बाजू रोकें, कुव्वत से, ताकत से रोकें। अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते तो जुबान से उसके लिए आप अपने डिसगस्ट का, अपने रिजेंटमेंट का इजहार करें, उसे बुरे को बुरा कहें। जुबान से नहीं कह सकते अगर आप इतनी मजबूरी और आपको प्रोसिक्यूशन का या प्रोसिक्यूशन का खतरा है, तो आप दिल में अपने कहें बुरे को बुरा। तो मस्जिद से ज्यादा बेहतर कौन सी जगह है एहतजाज रजिस्टर करने के लिए और बताने के लिए कि अल्लाह ताला ये तूने हमारे साथ क्या किया, किन गुनाहों की सजा है, क्यों हम पे ये लोग मुसल्लत कर दिए। तो इसमें जो मेन लोग थे वो ये थी इनकी जो औरत सी है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, शाहजैन बुख्ती, ये दो तो मेन उसके कैरेक्टर थे। सब पे उन्होंने किया, सब पे लोगों ने आवाजें कसी, लेकिन ये बगैरतों की तरह आगे से मुस्कुरा के हाथ हिला रही थी जैसे उसे कोई वो पैगाम तहनीयत भेज रहे हैं या उसे वेलकम कर रहे हैं। ये लाइक ओ हम बड़े चोर हैं, थैंक यू लाइक सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी उस बेगैरताना लेबल को। और शाहजहन बुगती जिसने एक और यहाँ पे हरकत की, इसके बॉडीगार्ड्स ने यहाँ कासिम खान सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे उन पे हमला किया, वो एक अलहदा बात है, उस पर फिर लोगों ने उन्हें सबक सिखाया, उससे लोगों के वो गजब से डर के भाग गए। तो हर जगह लोगों को हमें आवाम को, महंगो लोगों को, आम आदमियों को उठना होगा, उन्हें अपने जज्बात का, अपने गुस्से का, अपने का एक तहजीब के दायरे में रह के वायलेंट हुए बगैर इजहार करना होगा। जहां पे ये लोग एक्सेसिव होने की कोशिश करें उसका जवाब भी देना होगा। तो ये हाथ हिला रही आगे से मुस्कुरा के जब लोग इन्हें चोर चोर कह रहे हैं, डाकू आ गए, चोर आ गए, और शाहजहन बुगती को बहुत तकलीफ हुई है वहां पे कि जी उसके जज्बात मजरूह कर दिए लोगों ने। शाहजहन बुगती उन बेगैरत लोगों में से है जिसने, इसकी तो खैर पूरी नस्लों की तारीख है, जिसमें आप जाएं तो इन्होंने बलूचियों के साथ जो जुल्म किया है और उनके साथ जो उन्हें एक्सप्लॉइट किया है, जितने फंड उन्हें तरक्याती फंड और वो मिलते थे उन्हें खा जाते थे, और जिन्हें ओप्रेस करके कंट्रोल में रखा है, अब आके ये बड़े, ये इमरान खान की हुकूमत में भी ये राय इमरान खान ने इसलिए रखा था कि बलूचियों से जो उनकी रिजेंटमेंट है, जो उनके दुख हैं, जो वो सुने और वो करे, लेकिन कुछ भी नहीं। अब ये इस हुकूमत में आ गया, वो छोड़ के कि जी वो नहीं, वो तो कुछ नहीं कर रहे थे, ये करेंगे ये लोग, मतलब ये जराइम पेशा लोग, तुम्हारे जराइम पेशा होने का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि तुम उस जराइम पेशा टोले में जाके साथ बैठ गए उनके, और उनकी कामयाबी में कलीदी रोल तुमने अदा किया है। उस शाहजहन बुगती के जज्बात मजरूह हुए कि जी वो चोर चोर कह दिया हमें, यहाँ पे आप पैसे लेते हैं, आप वजारतें लेते हैं, आप फेवर्स लेते हैं, आप उनके साथ जाते हैं, और आप किस बेस पे वो करते हैं मुजाहरा। इसने कुछ दिन पहले भी ट्वीट किया था कि जो ख्वातीन की इज्जत होती है और कौम की बेटी होती है, और इमरान खान की जुरत कैसे हुई कि उसने ये जो इनकी नानी फ्रॉडन है मरियम अवान जो, उसके बारे में
सियासत में घुसती है, चोरी करती है, जराइम पेशा हरकतें, फ्रॉड, फ्रॉजुलेंट डॉक्यूमेंट्स, कौम के साथ झूठ, मक्कारी, ये सब आप करेंगी? आपकी कौम की बेटी नहीं है। बेनजीर के साथ ऐसा किसी ने नहीं किया था। बेनजीर को, हालांकि उसने भी बहुत सी गलतियां और बहुत सी ऐसी मुजरिमाना हरकतें की थी, लेकिन उसने वल्गैरिटी और फ्रॉड के इस लेवल पे स्टूप लो, इतना लो नहीं किया था। तो उसे किसी ने नहीं कहा, कभी भी कुछ नहीं कहा। सियासत में जो लोग नहीं है, जैसे इसकी ये शोबाज जो मुजरिम आजम है, इसका खानदान है, नवाज शरीफ का खानदान है, बाकियों के खानदान है, उनकी औरतें जो सियासत में, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। ये दिन रात मुकल्लज़ात भगती रहती है। इनके बारे में कहना सवाब है, इन्हें जवाब देना इंतहाई ज़रूरी है, इसमें शामिल हों, उसे जवाब दें, बताएं। तो बुख्ती साहब, ये कोई कौम की बेटियों की, आपके जज्बात बहुत ज़्यादा हैं इतने, और आपको इतना ख्याल है कि दयानतदारी का, और आपकी दयानतदारी पे हर्फ आ गया, लोगों ने आपको, जिसे कहते हैं कि मुजरिम को मुजरिम कहें और झूठे को झूठा कहें और चोर को चोर कहें, तो उससे उसके जज्बात मजरूह हो जाएं, तो हो जाएं। लेकिन ये बुनियादी तौर पे ये पैगाम है उन इदारों के लिए, उन लोगों के लिए, उन एक्टर्स के लिए जिन्होंने इन मुजरिमों को ला के बिठाया है। उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने ऐसी मुजरिमाना हरकत क्यों किया, ऐसी बुजदिलाना हरकत क्यों किया, उन्होंने इस कौम के अवाम के पीठ में खंजर क्यों घोंपाए। उन्हें देखना चाहिए कि लोग कितने दुखी हैं, कितने वो एक बेबसी के और गुस्से के आंसू रो रहे हैं वो। तो इस वाकये में बुनियादी चीज़ें जो ये हैं कि सबसे पहले मस्जिद के अंदर नहीं हुआ, मस्जिद का तकद्दस पामाल नहीं हुआ। हालांकि मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में कि जहाँ भी आप जुल्म देखें, जहाँ भी आप झूठ देखें, जहाँ भी आप बुराई होते देखें, वहीं पर उसे हाथ से बज़ोर ताकत, ज़ुबान से बज़ोर अल्फाज, और या फिर अपने दिल में बज़ोर ख्यालात, आप उसे बुरे को बुरा कहें। यह हुक्म है। जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना जिहाद है। ये बातें नहीं हैं, ये अल्लाह ताला के अहकाम हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान फरमुदात हैं उनके। तो मैं हम लोग सब ये कह रहे हैं, पीटीआई कह रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं, बाकी सारे लीडर्स कह रहे हैं, कौम के सारे नॉन लोग कह रहे हैं कि जी आप एहतजाज करें, रिकॉर्ड करवाएं, पीसफुल रहें, महजब रहें, लेकिन पीछे मत हटें, एहतजाज रिकॉर्ड कराना मत छोड़ें, इन लोगों के प्रोपेगेंडे में और झूठ में मत फंसे कि जी वो तोहीन हो गई और फलां हो गई। तोहीन ये है कि ये लोग लूट के खा रहे हैं इतने अरसे से इस कौम को, चूहों की तरह और गिद्धों की तरह, खुआ शाम गिद्धों की तरह, वो तोहीन है। उससे इन्हें रोकना जहाद है, सदका जारिया है, करते रहें। करते हैं दबे पाँव, कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकचा, उस कौम का हाकिम ही बस इसकी सजा है। दोस्तों, हम अजीबोगरीब मस्खरों के टाइम में जिंदा रह रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत से हुकूमतें बदलती देखी, बहुत से तमाशे देखे, साजिशें होती देखी, अजीबोगरीब हुक्मरानों को इस मुल्क पे बाहर से आके, अंदर से निकल के, कहाँ से खुदा जानता है आके हुकूमत करते देखा। लेकिन इतना घिनौना और इतना मज़का खेज वक्त इस कौम पे, इस मुल्क पे कभी नहीं आया था, जिसमें दो तिहाई कैबिनेट जराइम पेशा सजा याफ्ता है, जमानतों पे बाहर है। बाकी भी जराइम पेशा ज़रूर होंगे, लेकिन ये कि जमानतों पे नहीं है वो, एटलीस्ट वज़ीर आज़म जमानत पे है, सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनने का ख्वाहिशमंद, ना सिर्फ उनका फर्जंद है, जैसे उनके ख़ानदान से बाहर किसी में ना अहलियत है ना उसे हक है हुकूमत करने का, तो वो भी जराइम पेशा है, जमानत पे बाहर है, और कैबिनेट के ज़्यादातर लोग। तो जैसे ही इन लोगों को एक उठता है, इन्होंने साजिश की अमरीकियों के साथ मिल के, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, लोगों को ख़रीदा। अब इमरान खान की शरीफ़ नफसी देखिए आप, तो वो तीन बड़े सूबों में मरकज़ को शामिल करके उसमें उनकी हुकूमत थी, वो चाहते तो बेतहाशा सरकारी वसाइल और पैसा इस्तेमाल करके इनसे ज़्यादा खरीद सकते थे लोगों को, उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया है, लेकिन वो उनकी उनका कैरेक्टर, उनकी इंटेग्रिटी उसने इजाज़त नहीं दी इस कौम के साथ खयानत करने की, झूठ बोलने की, इनका पैसा इस्तेमाल करने की। तो उन्होंने अपनी हुकूमत खोना गवारा किया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, जो अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा, एक अजीम लॉस है, जो पता नहीं कभी हम लोग पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने हुकूमत को जाने दिया, उन्होंने उसूलों पे सौदा नहीं किया। इन भिखारियों ने, मुजरिमों ने, टोले ने, 16 जमातों ने मिल के हुकूमत बना ली आखिरकार,
जिसमें बहुत सी जो इनकी मेन कल्प्रेट जो है जरदारी है पीपल्स पार्टी वाला, और एक ये मुजरिम आजम है नून लीग का शहबाज शरीफ, जिसे शोबाजी और ड्रामे और मनी लॉन्ड्रिंग और इन चीज़ों के अलावा कुछ आता जाता है नहीं। वो बूट पहन के और हैट लगा के इधर उधर भागता फिरता है, बंदरों की सी उछल कूद करता है। तो अब इनके जैसे होता है हमारे हुक्मरानों को कि जैसे ये लोग थोड़ा सा इन्हें रूम मिलता है, कैबिनेट वगैरह बन गई, ओथ वोथ ले लिए, तो ये भागते हैं सऊदी अरब, वहाँ जाते हैं, वहाँ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, मीटर ज़ीरो करते हैं और सऊदियों के तरले करते हैं। सभी लोग करते हैं, इमरान खान ने भी किए थे, करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आपका मुल्क उस फाइनेंशियल और गवर्नेंस की उस दलदल में धंस चुका हो जहाँ से उसका आसानी से निकलना मुश्किल ना हो, तो आपको ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो जब से इन्होंने कैबिनेट ने इनकी हलफ लिया, उस वक्त से इन्होंने सऊदी अरब जाने का इरादा किया, उस वक्त से एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन कॉमेडी जिसे कहते हैं वो इकट्ठा उनका एक सर्कस चल रहा है। पहले इन्होंने कहा जी 76 लोग जाएंगे, जिसमें 16 खानदान के हैं, जिनमें इनके चौकीदार, मुलाजिम, खानसामा, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप अमीर लोग जा सकते हैं, अगर बासर लोग जा सकते हैं, तो गरीब लोग जो इनके पास काम करते हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन सरकारी खजाने पे, आपके और मेरे पैसों पे, जो हम मेहनत करके कमाते हैं हमारी इजाजत के बगैर, इन सब लोगों ने, फिर इनके इत्तेहादियों ने, जो जिन्हें ये लोग पटा डाल के साथ रखते हैं कि कहीं इधर उधर आगे पीछे हो गए तो कहीं हुकूमत ना गिर जाए, वो दो वोटों पे इनकी हुकूमत खड़ी, और वो दो कौन से जराइम पेश आए जो जो सबसे पहले से छलांग लगाएंगे इनके, चूहों के जैसे डूबते जहाज से चूहे छलांग लगा देते हैं, वैसे वो उन्हें नहीं पता, तो इन्होंने सबको साथ रखने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने PIA को शाही फरमान जारी किया कि हमें बोइंग 777 जहाज, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे जहाज़ों में से एक है, वो दें ताकि ये लोग अपने सारे लाओ लश्कर को ले जा सकें। अल्लाह ताला के हुजूर मांगने के लिए, आजरी के लिए, वहाँ पे गिड़गिड़ा के दरख्वास्त करने के लिए रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में जाएंगे ये लोगों के पैसे पे, हराम तरीके से, ये एक अल्ले तल्लों के लिए, अपने उनकी करने के लिए वहाँ पे ये जाते हैं। तो वो होता ही है कि जब आप PIA से जहाज लेते हैं, जो इमरान खान ने नहीं लिया, वो एयरफोर्स का छोटा जहाज इस्तेमाल करते थे, इमरान खान का इनका खैर कोई मुकाबला नहीं है, इन्हें एक लाइन में, एक जुमले में इनका जिक्र आना भी नहीं चाहिए इकट्ठे। तो ये जहाज लेते हैं, फिर जहाज में सारी कस्टमाइजेशन होती है, सीटें वीटें निकाल देते हैं, फिर ये शोबाज की उधर मेज लगेगी जहाँ पे कागज फैला के तस्वीरें खिंचाएगा, जो वो नानी फ्राडन है वो इधर उधर वो अपलोड करती फिरेगी, और बाकी जो इनकी रहमजादियाँ और ये जो एक औरत सी है वजीर इतलात सी, वो इधर उधर फैलाएंगी कि जी माशाल्लाह ये काम हो रहा है, अब काम हो रहा है, और इनके सारे जितने आशिया बरदार साफ़ी हैं जो इनकी टोकरियों पे और लिफाफों पे पलते हैं, वो फिर उन्हें उछलेंगे कूदेंगे छातियाँ और खम ठोकेंगे कि जी वो ये देखें काम तो ऐसे होता है काम। तो उसके लिए फिर ये जहाज में इसे सारी कुर्सियाँ वर्सियाँ हटा के सोफे और इनके ज़रूरत की जो भी इनके आराम की चीज़ें होती हैं वो लगती हैं, 2-3 दिन जो भी उसमें टाइम लगता है, फिर ये वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाके ये ऑब्वियसली सरकारी वसाइल पे ये जगह ढूंढ के वहाँ रुकते हैं, और उतनी देर जहाज़ को रोके रखते हैं, वहाँ पे रुका रहता है जहाज, फिर ये सरकारी जाहिर है बोझ उसका हमारे खजाने पे पड़ता है, जो पहले ही इतना उस पर बोझ पड़ा हुआ है, फिर ये वहाँ पे जो भी इन्होंने अपनी हरकतें करनी होती हैं, सेल्फियाँ खिंचवा के, तस्वीरें खिंचा के भेजो इधर के, हम बड़े इधर हैं, वो मकबूल हैं, फिर वो मिलते हैं सऊदियों से, मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो जब लोगों ने ये देखा कि ये क्या बकवास है, इमरान खान ने हमें इतना अब शोर दे दिया कि हमें ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि खांदे ने ते लांदे भी ने वाला मंत्रा जो है वो बहुत अरसा चल चुका है, वो ठीक नहीं है, लांदे ने लाना इन्हों का फ़र्ज़ है, क्योंकि इन्हें हुकूमत में इसलिए लाया गया है कि ये लोगों के लिए चीज़ें करें, खांदे उसका हिस्सा नहीं है, ये कोई कमीशन एजेंट नहीं है, ये कोई ब्रोकर नहीं है, ये कोई यू नो उर्दू या पंजाबी में उसका तर्जुमा खुद कर लें, ब्रोकर और एजेंट का क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा, ये वो हैं, लेकिन ये इसलिए इन्हें नहीं लाया गया यहाँ पे, इन्हें इसलिए लाया गया कि लोगों के लिए चीज़ें करें, गवर्नेंस बेटर बनाएं, टैक्स कलेक्शन बेटर करें, लेकिन ये नहीं करते। तो वो एक ये जाएगा वो नहीं जाएगा, इसकी जमानत नहीं हो रही, इसका नाम ECL में डला हुआ है, इसे हमारे जो हसास इदारे हैं जिन्हें कहीं कहीं तकली, जैसे मोहसिन दावर और अली वजीर हैं, जो हमें बताया गया कि इंडिया से फंडिंग लेते हैं और ये बड़े मुल्क और कौम के दुश्मन हैं और हम उनसे इतना अरसा नफरत करते रहे, तो जब इलेक्शन आए तो इमरान खान को इन्होंने कहा कि जी मोहसिन दावर और अली वजीर के मुकाबले में आप अपना उम्मीदवार ना खड़ा करें, उन्हें जीतने दें, उन्हें असम्बली में जाने दें।
वो आ गए, उनका नाम ECL में, वो एक थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो लोग थ्रेट हैं, तो उन्हें ECL से उनका नाम भी नहीं निकल सकता। लेकिन चूंकि वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था तख्त के काबिज वही दहीम उनके हाथ में, रिस्क उनका, रिस्क की तकसीम उनके हाथ में, जब चाहें जो फैसला करें, जैसे आप डिसाइड करें कि जी कौन जा सकता है कौन, तो वन टाइम इजाजत उसे खसूसी तौर पर दी गई है कि जी इस एक दफा में तुम कौमी मुजरिम नहीं हो, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो, तुम चले जाओ, बाकी सारे जो हैं वो कोई कम थ्रेट नहीं है, वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए और हमारे खुददारी और हमारे इज्जत नफ्स के लिए वो कोई कम थ्रेट नहीं है, वो उसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उससे भी इजाज़त दे दी गई। तो फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता या इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि जी नहीं नहीं हम तो अपने खर्चे पे जा रहे हैं, नहीं नहीं फला लोग नहीं जा रहे, ये लोग नहीं आएंगे, फला नहीं आएंगे, और वो जो इनके कद्दू से बेटे जो इंग्लैंड में और दामाद इनका और बेटियां भागी हुई हैं सारी, कि जी हम अपने पैसों पे आ रहे हैं, अपने बाप का पैसा है इनका, सब इन्होंने यहां से लूटा लोगों का पैसा और वो ले गए और उस पैसे को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, हमारा जो क्लाउट और इन्फ्लुएंस यूज किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वहां से, और अब इनका पैसा हो गया। वो ये डबल और ट्रिपल शाह से भी आगे के मुजरिम हैं ये लोग। खैर, तो फिर अब लोगों में तो गम और गुस्सा भरता जा रहा है। आई मीन जो लोग इन्हें लाए हैं, जिस तरह से ये आए हैं, जो रोल इदारों ने प्ले किया है, और किसके कहने पे, उससे हम लोग, हमारी बेबसी जो है उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे मुल्क को ये चूहों की तरह लूट के खा रहे हैं और हम देख रहे हैं बैठे हुए। तो लोग स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी से ये इसलिए डरते हैं कि वो बाहर जाते हैं तो वो देख लेते हैं कि यहाँ पे दुनिया के दूसरे मुल्कों का निज़ाम देखते हैं और उसे कंपेयर करते हैं कि यार हमें किस फ्रॉड में आप लोगों ने फंसाया हुआ है, कि जी अमरीकी साजिश है, इसमें फलां का हाथ है, इसमें गैर मुल्क की मदाखलत है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, वगैरह 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 वगैरह। अपने फीडबैक से, अपने कॉमेंट से, अपने हमें बताते रहिए, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि जी हमें किस तरह चीज़ों को बेहतर बनाना है। आपकी इन्वॉल्वमेंट पूरे सियासी प्रोसेस में और हमारे इस एनालिसिस में, हमारी बातों में शामिल होने की ज़रूरत है। हमें मशवरे दीजिए, साथ शामिल होइए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो यू आर वेरी वेलकम टू रीच आउट एंड से व्हाटएवर यू वांट टू से। थैंक यू।